कैलाश में करोड़ों रुपए के पत्राचार जमीन घोटाले मामले में शिवसेना के नेता और सांसद संजय राउत समन देने के बाद भी बुधवार को ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए। दूसरी तरफ इस मामले में अहम गवाह स्वप्ना पाटकर को रेप और जान से मारने की धमकी मिल रही है। ईडी 1034 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले मामले में जांच कर रही है। ईडी के अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक इस घोटाले से जुड़े मामले में एक गवाह स्वप्ना पाटकर को धमकी मिली है। गवाह स्वप्ना पाटकर को कहा जा रहा है कि वो संजय राउत के खिलाफ दिए गए बयान को वापस ले ले। ईडी ने स्वप्ना पाटकर का बयान दर्ज किया है। वहीं संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर का बयान भी ईडी ने दर्ज किया है। महाराष्ट्र में 1034 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले मामले में जांच कर रही ईडी ने स्वप्ना पाटकर का बयान दर्ज किया है। अपने बयान में स्वप्ना ने ईडी को बताया कि उन्हें धमकी मिल रही है। शिवसेना सांसद राउत के करीबी सुजीत पाटकर से अलग हुई पत्नी स्वप्ना पाटकर ने अपने बयान में ईडी को बताया कि उन्हें पत्राचार मामले में राउत के खिलाफ अपना बयान वापस लेने की धमकी दी गई है। स्वप्ना पाटकर ने मुंबई पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है। स्वप्ना के मुताबिक उनके घर सुबह अखबार आता है जिसमें धमकी भरा पत्र मिला जिसमें रेप और हत्या की धमकी दी गई। हत्या का थाने की खाड़ी में फेंकने की धमकी मिली है। शिकायत पत्र के मुताबिक उन पर ईडी के सामने किरण समैया के खिलाफ बोलने का दबाव बनाया जा रहा है। स्वप्ना पाटकर ने पीछा करने मोबाइल हैक करने के लिए संजय राउत पर भी संदेह जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो मुंबई।